गोलू देवता रक्षा करे, गोलू देवता रक्षा करे। बताएंगे गोलू देवता जी की क्या कहानी है? गोलू देवता की कहानी, ये हमारे इष्ट देवता है जिसकी हमारे तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और पंडित जी ने यहाँ की पूरी गोलू देवता की कथा भी बता दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग यहाँ पे दूर दूर से पत्र लिख के गए हैं, हजारों की संख्या में पूरे मंदिर की तरफ घंटियाँ बंधी हुई हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद चिरायू। तो जैसे कि आपने थर्ड पार्ट में देखा होगा कि हम कसार देवी मंदिर से होके आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं गोलू देवता के मंदिर। गोलू देवता जो कि पहाड़ों पे पूजे जाने वाले एक प्रमुख देवता हैं और उनको न्याय के देवता भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने सुना है कि यहाँ पे लोग दूर दूर से पत्र लिख के भेजते हैं और जिनके केस कोर्ट में चल रहे होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, उनके केस भी जल्दी निपट जाते हैं और इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पे कई सारे गोलू देवता के मंदिर हैं, एक तो मेन अल्मोड़ा सिटी में हो गया और एक है जब हम कसार देवी मंदिर के आगे आते हैं, तो जहाँ पे मैंने वीडियो में राइट हैंड पे टर्न लिया है उस टर्न से ही हम इस मंदिर तक पहुँच जाएंगे। चारों तरफ देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है हमारा गोलू देवता का मंदिर, तो आइए चलते हैं अंदर। तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रसाद की दुकान और घंटियों की शॉप भी दिख जाएगी। तो आज हम जिन गोलू देवता के मंदिर में आए हैं वह गरियर गोलू देवता। तो हम पहुँच गए मेन मंदिर के गेट पे और मैं आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखाता हूँ। हर जगह घंटियाँ बंधी हुई हैं और हर जगह पत्र भी बंधे हुए हैं। जो भी श्रद्धालु पहली बार आता है, आपको कोई अगर समस्या है तो आप यहाँ पे पत्र बांध के जा सकते हैं। गोलू देवता तक आपकी बात जरूर पहुँचेगी और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है यहाँ पे लोग घंटियाँ बांध के जाते हैं। कहाँ से आए हैं? काशीपुर। काशीपुर इधर से भी इधर से आए। जय दुर्गा माता, ओम नमः शिवाय। पंडित दक्षिणा तो मैं लाया नहीं, परस तो नीचे गाड़ी में छोड़ आया। कोई बात, लो कलाव भी बांध देता। एन बंदो बलि राजा दान बिंदो महा गोलू देवता रक्षा करे, गोलू देवता रक्षा करे, रक्षे मास। ट्रैवल विद चिरायू। ओम चंदनम च पवित्रम पापनाशम यजमानस्य मनोकामना सकुटुंबस्य परिवार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधियम पुष्टिवर्धनम उर्वारु यजमानस्य। आपका गोत्र क्या है? कश्यप गोत्र। कश्यप यजमानस्य गोत्र सकुटुंबस्य परिवारस्य अश्विनी मासे शुक्लपक्षे चतुर्थी यजमानस्य बुधवार वासरे यजमानस्य मेष प्रशमिथुन कर्कश्य कन्या तुला वृष धनु मकर कुंभमीन दीर्घायु फल प्राप्तम गोलू गैरार्थ देवता की कृपा ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दर्शमर्थम समर्पयामि बाबा की आशीर्वाद मिले। सुख शांति मंत्रा संतु पूर्णा संतु यजमानस्य दीर्घायु फल प्राप्तम गोलू गैरार्थ देवता की कृपा बनी रहे। आपकी यात्रा मंगल हो, नवरात्रि की मंगलमय हो, सुख शांति। अभी जो पंडित जी दक्षिणा नीचे छोड़ा है पर्स गाड़ी। अभी दे जाता हूँ।
पंडित जी गोलू देवता की क्या कहानी है? आप पहले पूछिए फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आप जो ऐसे क्वेश्चन होगा वैसे बताएंगे। गोलू देवता जी की क्या कहानी है? गोलू देवता की कहानी, ये हमारे इष्ट देवता है जिसकी हमारे भारत में 125 करोड़ जो जनसंख्या है वो इष्ट देवता की, इसकी कृपा हर घर में एक इष्ट देवता की पूजा होती। भगवान शिव जी और पार्वती का भी इनका विशेष क्या नाम का तो महत्व रहा, उनकी कृपा से भगवान शिव इतने बड़े हम चार लोग के स्वामी जो हम उनकी संतान है उन्हीं की कृपा से जो हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो शिव और पार्वती को भी इष्ट देवता की कृपा रही। और गोलू देवता की, गुरु देवता की ऐसी कृपा है यहाँ पर क्या नाम कहते हैं, जो आदमी को कोई नौ ग्रहों की किसी ग्रह की यदि क्या नाम कर अशांति चल रही है, शनि राहु केतु जो कूर ग्रह हैं, तो उस ग्रहों को शांति करने के लिए यहाँ पर दूध और दही का अभिषेक किया जाता है। गुरु देवता एक गाय और भैंसों को चराते थे तो भगवान थे वो, तो उनको यहाँ पर दूध और दही का शिव अंदर जाके यहाँ पर अभिषेक किया जाता है। वो अभिषेक करने के बाद पूजा अच्छे ब्राह्मणों के कुल के ब्राह्मणों के साथ पूजा पाठ करने के बाद फिर वहाँ पर एक नौ ग्रहों की पूजा करने के बाद हवन यज्ञ किया जाता है यहाँ पर, तो इससे बहुत ही तो आगे घर में परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जिससे कोई भी काम नहीं हो तो गुरु देवता की वहाँ से वो 100% उनकी। जैसे यहाँ पे पेड़ के पास पत्र लगे हुए हैं जी, तो इसका क्या महत्व है, क्यों लगाए जाते हैं ये पत्र? इसलिए लगाए जाते हैं सर, आप कोई आदमी अपनी जैसे कोई मुराद लेके आता है बहुत दूर, किसी न्याय की देवता, कोई आदमी कोई किसी के घर में कोई परेशानी है, तो गोलू देवता के वहाँ पर एक चिट्ठी पत्र लगा के यहाँ पर टांग दिए जाते हैं, तो ब्राह्मण द्वारा एक संकल्प करा के तो वो गोलू देवता उनको स्वीकार करते हैं। जैसे ही उनकी मन्नत पूर्ण होती है और वो तक पहुंच जाते हैं, मतलब लिखा जाता है उनके, इसलिए मन्नत वहां तक पहुंचती है, दरबार तक पहुंचती है वो संकल्प के द्वारा, अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा, संकल्प के द्वारा, वो ब्राह्मणों के द्वारा कागज में लिख के, तो वो संकल्प से उसके बाद गुरु देवता सुन लेते हैं। जैसे ही उनकी मन्नत पूर्ण होती है फिर वो मनोकामना पूर्ण होने के बाद फिर यहाँ पर घंटा चढ़ाते हैं, कोई आदमी यहाँ पर घंटा चढ़ाता है, कोई आदमी यहाँ पर हवन यज्ञ करता है, कोई आदमी यहाँ पर यहाँ क्या नाम बहुत विशाल भंडारा का आयोजित किया जाता है। अच्छा जी, बढ़िया है। और कभी अभी आना हो तो हमारा नंबर मैं जी बता दीजिए, हमारा नंबर पंडित उर्वादत्त भट्ट, तो हमारा कभी आपको कोई पूजा पाठ करनी हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा जियो का नंबर है 9368072674, कभी भी आप आइए तो इस नंबर पर संपर्क करिएगा, आपको बड़ी भांति फैली भांति आपको पूजा और आप खुश हो जाएंगे बाबा जी की ऐसी कृपा, जय बोले की बात, जय बोले की। तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पंडित जी ने अपना नंबर बता दिया, आपको यहाँ पे पूरी मदद मिलेगी पंडित जी के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आपको आना हो तो दो चार दिन पहले हम, क्योंकि ब्राह्मण आदमी, क्योंकि हमारे भी कई काम होते हैं, कर्मकांड होते हैं, ब्राह्मण को सुख में भी दुख में भी सही जान जाना पड़ता है, इसलिए कभी भी जो आना हो तो दो चार दिन पहले अवगत करा के तो हम उस समय मौजूद रहते हैं। हाँ जी, क्योंकि हम जजमानी वाले पंडित होते हैं, कभी हम दूर दराज भी चले जाते हैं, कभी किसी का ग्रह प्रवेश, मकान प्रवेश, जन्म संस्कार में, शादी विवाह में, तो हर पंडित को उसमें शामिल होना। थैंक यू। ठीक है पंडित जी, बैठो दक्षिण लाया बैठो। तो हम मंदिर के थोड़ी बैक साइड में आए हैं, तो यहाँ पे देखो घंटियां घंटियां बंधी हुई हैं, और मेन गेट के साइड तो बहुत ही घंटियां, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। क्या बोलना है? द्रव्यम भोजनम दक्षिणा, जो भी यजमान किसी पुरोहित पंडित को जो भी दक्षिणा दे हमेशा मुट्ठी बांध के देना चाहिए, जो यजमान शास्त्र कहता है कि जो यजमान हमें जो दक्षिणा दे रहा है उसका लाखों कोटि कोटि गुना वही वापस आता है, तो इसलिए दान करने से दान बढ़ता है, पुण्य करने से पुण्य बढ़ता है, इसलिए मुट्ठी बांध को देना चाहिए ब्राह्मणों को। जय बोले, जय। तब कहते हैं कि शास्त्र कहता है हमेशा देना चाहिए दान, पुण्य करने से दान पुण्य, मुट्ठी बांध के देना चाहिए, जिससे ब्राह्मणों को भी पता नहीं, अगले भाई को भी पता नहीं चले कि मैंने पंडित को दक्षिणा दिया। ये शास्त्र का नियम होता है। अपने घर में भी आप पूजा पाठ करें तो हमेशा आप किसी भी पूजा पाठ, अपने घर में ब्राह्मण आते होंगे तो उसको, उनको भी दक्षिणा जब भी दें तो मुट्ठी में हाथ कर देना चाहिए, या तो दंड लिफाफे में देना चाहिए, तो उससे वो बरकत मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग यहाँ पे दूर दूर से पत्र लिख के गए हैं। गोलू देवता के मंदिर को घंटी वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे जिस भी भक्त की मनोकामना पूरी होती है वो बाद में आके घंटी बांध के जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हजारों की संख्या में पूरे मंदिर की तरफ घंटियाँ बंधी हुई हैं। Yeah.
हर जगह आपको घंटियां घंटियां दिख जाएंगी। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और पंडित जी ने यहाँ की पूरी गोलू देवता की कथा भी बता दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।